वेलकम टू कोर्स इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स एंड टूडेज लेक्चर वी विल लर्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ कंप्यूटर्स अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल यूजर्स इंडिविजुअल यूज़र के लिए जो कंप्यूटर होता है इसको हम पर्सनल कंप्यूटर का भी नाम देते हैं तो ऐसा कंप्यूटर जो सिर्फ एक यूज़र एक टाइम के ऊपर यूज़ कर सके इसको पर्सनल कम्प्यूटर का नाम भी दिया जाता है तो पर्सनल कम्प्यूटर नाम है ऐसे कम्प्यूटर्स का जो एक टाइम के ऊपर सिंगल यूज़र इसको यूज़ कर सकें लेकिन ये जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर है इसको डिफरेंट यूज़र भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन सेम टाइम के ऊपर सिर्फ एक यूज़र इसको यूज़ करता है अब ये जो पर्सनल कंप्यूटर है इसको हम डिफरेंट वैरायटी ऑफ टास्क के लिए यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्जांपल हम इस कंप्यूटर के थ्रू गेम्स खेल सकते हैं इसके अलावा हम वेबसाइट से कोई चीज़ अपलोड कर सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं इसी तरह इस कंप्यूटर की मदद से हम ऑफिस मैनेजमेंट के डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं फॉर एग्जांपल हम लेटर्स राइट कर सकते हैं बिजनेस की कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं तो इस तरह के टास्क के लिए ऐसा कंप्यूटर जो सिर्फ एक यूज़र एक टाइम के ऊपर यूज़ कर सके इसको हम इंडिविजुअल कंप्यूटर कहते हैं अब इस कंप्यूटर को हम नेटवर्क के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं ताकि जो डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं ये आपस के अंदर कम्युनिकेट कर सकें फॉर एग्जांपल जो एक कंप्यूटर के ऊपर डाटा है इसका हम दूसरे कंप्यूटर पर सेंड कर सकें और हम दूसरे कंप्यूटर से रिसीव भी कर सकें तो जब हम किसी भी कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं तो इस चीज़ को हम नाम देते हैं नेटवर्क का नेटवर्क के अंदर हम डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं अब ये जो हम कनेक्शन बताते हैं डिफरेंट तरह के कनेक्शन हो सकते हैं ये कनेक्शन थ्रू वायर भी हो सकता है मेन एक वायर जो है वो दूसरे कंप्यूटर के साथ अटैच कर देगी और ये हमारे पास जो नेटवर्क है ये वायरलेस भी हो सकता है तो नेटवर्क की टू मेजर कैटेगरीज हैं एक के अंदर जिसके अंदर हम वायर को यूज़ करते हैं और सेकेंड जिसके अंदर हमारे पास कोई वायर यूज़ नहीं होती बल्कि हम बग़ैर वायर के अपने कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं जो वायर के साथ जब हम कनेक्शन बनाते हैं तो हमें अज ये मिलता है कि हमारी जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है जबकि हम अपने डिवाइस को एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं मेन हमें कोई भी मोबिलिटी नहीं मिलती है तो मोबाइली हमारी जो है ये ज़ीरो हो जाती है जबकि स्पीड इनहांस हो जाती है वायरलेस के, के केस के अंदर हमारी जो स्पीड है ये कंप्रोमाइज हो जाती है मेन हमारी जो स्पीड है वो नॉर्मल स्पीड मिलती है ज़्यादा स्पीड नहीं मिलती लेकिन हमें एचिये मिल जाता है कि हमें इसके साथ मोबैलिटी मिलती है कि हम अपनी डिवाइस को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं मेन कि हम अपनी डिवाइस को अगर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएं तो हम उसका कनेक्शन मेंटेन रख सकते हैं अब ये जो कंप्यूटर्स हैं इन कंप्यूटर्स की डिफरेंट हमारे पास जो है वो कैटेगरीज़ हैं अब इंडिविजुअल यूजर के कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर की कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं हम ये देखते हैं तो जो फ़र्स्ट कैटेगरी है इसको हम कहते हैं डैस्क टॉप कम्प्यूटर्स डैस्कॉप कम्प्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर हैं जो हम किसी डेस्क के ऊपर या किसी जगह के ऊपर प्लेस कर सकते हैं एक कंप्यूटर के अंदर जो हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं हम कहते हैं एक हमारे पास है सिस्टम यूनिट है ये येहदा से होती है फिर इसके साथ हमारे पास आउटपुट डिवाइस हैं मोनीटर है स्पीकरज हैं है, और इनपुट डिवाइस जो हैं ये येदा से हम इसके साथ अटैच करते हैं ऐसा कंप्यूटर जिसको हम किसी डेस्क के ऊपर प्लेस कर सकें इसको हम डेस्कटॉप कंप्यूटर का नाम देते हैं ये भी ऐसा कंप्यूटर है जो सिर्फ एक यूज़र एक टाइम के ऊपर इसको इस्तेमाल कर सकता है फिर ये जो डेस्कटॉप कंप्यूटर हैं इसकी दो वेरिएंट हैं एक के अंदर हमारे पास जो इसकी सिस्टम यूनिट है ये औरजेंटली प्लेस होती है और दूसरे के अंदर हम कहते हैं ये वर्टिकली है ये टावर केसिंग के अंदर है ये जो हॉरिजेंटली वाले हैं ये चीपर होते हैं ये जो वर्टिकल केसिंग वाले हैं ये थोड़े से इनकी नस्बत एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन दोनों की जो स्पीड है चीज़ें हैं वो सारी बाकी सेम है अब ये जो डेस्कटॉप कंप्यूटर हैं इसकी मदद से हम वराइटी ऑफ टास्क परफॉर्म कर सकते हैं गेम्स प्ले कर सकते हैं वेब से हम कोई चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं अपलोड कर सकते हैं इसी तरह हम जो सोशल मीडिया की डिफरेंट साइट्स हैं उनसे पे डाटा अपलोड कर सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं मूवीज़ देख सकते हैं इस तरह के टास्क करने के लिए डेस्कटॉप को कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है जो स्टूडेंट्स हैं अपने स्टडी परपज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं बिजनेस के अंदर इसको डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर रन करने के लिए यूज़ किया जा सकता है इससे जो नेक्स्ट कैटेगरी है उसको हम वर्क स्टेशन का नाम देते हैं वर्क स्टेशन जो ऐसे कम्प्यूटर्स हैं जो कोई डेडिकेटेड टास्क परफॉर्म करते हैं डेडिकेटेड टास्क से ये मरादा है कि ये स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर है फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग की कोई सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हमने सिमुलेशन करनी है उनको रन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं बिजनेस के आर्किटेक्चर के मॉडल्स डिज़ाइन करने के लिए इनको यूज़ कर सकते हैं तो वर्क स्टेशन जो कम्प्यूटर्स हैं ये भी इंडिविजुअल यूज़र के लिए हैं लेकिन इनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो डेस्कटॉप कंप्यूटर की नस्बत ज़्यादा होती है इसी तरह अगर किसी ने स्पेशलाइज गेम्स प्ले करनी है और वहाँ पे स्पीड ज़्यादा चाहिए उस केस के अंदर भी वर्क स्टेशन को यूज़ किया जा सकता है जो थर्ड कैटेगरी के कंप्यूटर्स हैं इनको हम कहते हैं नोटबुक कंप्यूटर जो फर्स्ट टू कैटेगरी के कंप्यूटर हैं डेस्कटॉप और वर्क स्टेशन जो है ये दोनों कंप्यूटर्स हमारे पास मोबाइलिटी प्रोवाइड नहीं करते मेन हम इनको एक फिक्स लोकेशन के ऊपर प्लेस करते हैं अब अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी डिवाइस जो है इसको हम अपने साथ कैरी करें वो वाली जो कैटेगरी है इसको नोटबुक कंप्यूटर्स का नाम दिया जाता है नोटबुक कंप्यूटर्स की कैटेगरी के अंदर हमारे जितने भी लैपटॉप्स हैं इन सब को हम नोटबुक कंप्यूटर्स का नाम देते हैं इनके अंदर जो मेजर फीचर हमें ये मिलता है कि हम डिवाइस को अपने साथ कैरी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं बाकी जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है या स्टोरेज कैपेसिटी है ये ऑलमोस्ट जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है इसके इक्विवेलेंट होती है जो फोर्थ कैटेगरी है इसको हम कहते हैं टैबलेट कंप्यूटर टैबलेट कंप्यूटर हमारे ऐसे हैं जैसे हमारे है पास आईपैड्स हैं या डिफरेंट जो डिवाइसेस हैं जिनके ऊपर हम मूवीज़ देख सकते हैं या डिफरेंट तरह के टास्क परफॉर्म कर सकते हैं जिसके साथ की बोर्ड अटैच नहीं आता बल्कि हमारे पास एक डिस्प्ले होता है और उसके नीचे सारा प्रोसेसर मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस सारी अटैच होती हैं जो फिफ्थ कैटेगरी है इसको हम हैंड हेल्ड कम्प्यूटर्स कहते हैं हैंड हेल्ड कम्प्यूटर्स हमारे मोबाइल डिवाइसेस की तरह हमें नज़र आते हैं ये हमारे बिजनेस के अंदर डिफरेंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने के लिए कॉन्टेक्ट्स को सेव करने के लिए या शॉर्ट नोट हमें राइट करने के लिए हम इनको यूज़ कर सकते हैं अच्छा एक चीज़ जो टैबलेट कंप्यूटर के साथ ये थी कि इसके साथ हमें डिवाइस के साथ एक पेन मिलता है इस पेन की मदद से हम अपने डिवाइस के ऊपर जो टेक्स्ट वगैरह है इसको लिख सकते हैं डिफरेंट स्केचेस को ड्रा कर सकते हैं इस पेन को हम कहते हैं स्टाइलस का नाम दिया जाता है जो लॉस्ट कैटेगरीज है इसको हम स्मार्टफोन का नाम लेते हैं स्मार्टफोन हमें दो फीचर प्रोवाइड करता है कि ये वाला जो स्मार्टफोन है ये हमें जो मोबाइल की बेसिक फंक्शनलिटी है कॉल और एस ये भी प्रोवाइड करता है और साथ साथ हम इसको वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं मेन हम वेब के साथ इसकी कनेक्टिविटी को इंश्योर कर सकते हैं जो स्मार्टफोन है इसके साथ हम डिफरेंट तरह की गेम्स भी प्ले कर सकते हैं इसी तरह हम म्यूज़िक को या मूवीज़ को भी प्ले कर सकते हैं अब इन कैटेगरीज की फर्दर हम डिटेल्स देख लेते हैं कि ये जितनी हमारे पास कैटेगरीज़ हैं इनकी डिटेल्स के हैं तो फर्स्ट जो कंप्यूटर है हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर है जो यूज़ होती है अब इसके लिए हमें यूज़ करने के लिए डेस्क के ऊपर बैठना पड़ता है और हम डिफरेंट तरह के टास्क परफॉर्म कर सकते हैं अब इस कंप्यूटर को एक टाइम के ऊपर सिर्फ एक ही यूज़र यूज़ use कर सकता है तो ऐसा कंप्यूटर जिसको एक टाइम के ऊपर एक पर्सन यूज़ कर सके इसको हम पर्सनल कंप्यूटर का भी नाम देते हैं तो डेस्कटॉप ऐसा कंप्यूटर है जिसके सामने बैठ के हम इसको यूज़ कर सकते हैं और एक टाइम के ऊपर एक पर्सन इसको यूज़ करता है और इसका जो थर्ड करेक्टर ये है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जो कंप्यूटर्स हैं इनको हम डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं इसके जो दो वेरिएंट थे फर्स्ट के अंदर जो सिस्टम यूनिट है इसको हम हॉरिजेंटली प्लेस करते हैं और सेकेंड के अंदर हम इसको वर्टिकली प्लेस करते हैं तो इसको हम कहते हैं ये हमारे पास सिस्टम यूनिट है आप जो हॉरिजेंटली प्लेस कर सकते हैं इसके ऊपर हमारा जो मोनिटर है हम इसको भी रख सकते हैं लेकिन जो वर्टिकली है ये हमें इसकी लुक वाइज हमें ज़्यादा बेहतर नज़र आता है इसीलिए इसकी जो प्राइस है थोड़ी सी हायर होती है दैन जो हमारे पास ये रिजेंटली पर्सनल कंप्यूटर है इसकी नस्बत जो सेकंड कैटेगरी थी दैट वाज अ वर्क स्टेशन वर्क स्टेशन हमारे पास स्पेशलाइज कंप्यूटर हैं जो स्पेशलाइज या ऑप्टिमाइज साइंस और इंजीनियरिंग की एप्लीकेशन के लिए इसको हम यूज़ करते हैं अब इनकी जो पावर है ये डेस्कटॉप कंप्यूटर की नस्बत ज़्यादा होती है मेन ये किसी स्पेशल किस्म के काम करने के लिए इनको हम यूज़ करते हैं द नेक्स्ट कैटेगरी इज़ कॉल्ड नोटबुक कंप्यूटर जैसे बताया कि ये हमें जो मेन एडवांटेज देते हैं ये पोर्टेबल हैं पोर्टेबल वो चीज़ होती है जिसको हम अपने साथ कैरी कर सकते हैं इसका जो वेट है ये थ्री से एट पाउंड के दरम्यान में होता है इसी तरह ये जो डिवाइस हैं इनको हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं अब इसका जो टिपिकल साइज है वो हमारे पास है एट पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाय अलेवन इंचज़ है अब इन कंप्यूटर के साथ एक और हमें चीज़ ये मिलती है ये कंप्यूटर की चूँकि स्क्रीन साइज छोटा होती है तो हमें इसके साथ एक स्टेशन मिलता है जिसको हम कहते हैं डॉकिंग स्टेशन डॉकिंग स्टेशन के साथ हम अपने इस लैपटॉप को कनेक्ट कर सकते हैं और ये वाला हमें जो डॉकिंग स्टेशन है इसका डिस्प्ले साइज़ बड़ा होता है साथ ये हमें प्रोविजन देता है कि एक हमें बिगर साइज के अंदर की बोर्ड भी देता है तो अगर हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम बड़ी स्क्रीन के ऊपर काम करना चाहें तो अपने नोटबुक कंप्यूटर को हम अटैच कर लेते हैं विद अ डॉकिंग स्टेशन नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास टैबलेट कंप्यूटर्स थी ये हम कहते हैं न्यू डेवलपमेंट है कि जो नोटबुक कंप्यूटर है उनके साथ भी कीबोर्ड आता था और उसका जो वेट था वो ज़्यादा होता था इनका जो वेट है वो कम होता है और इसके साथ साथ हम राइटिंग करने के लिए एक स्पेशलाइज पेन को इस्तेमाल करते हैं और ये स्पेशल कामों के लिए इसको यूज़ करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऑफिस के अंदर लेटर लिखने हैं नोट्स लेने हैं या हमने कोई स्केच वगैरह ड्रा करने हैं तो उन कामों के लिए इसको यूज़ करते हैं इस पेन को जो हमारे पास नाम है हम कहते हैं स्टाइलस है स्पेन का नाम स्टाइल है इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी थी हमारे पास उसको हम कहते हैं ये स्मार्टफोन्स हैं सॉरी स्मार्टफोन से पहले हमारे पास पी हैं अब पी हमारे पास इनको हमारा जो दूसरा नाम है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस है ये जो हमें डिफरेंट तरह के वैरायटी ऑफ टास्क के अंदर हमें हेल्प करते हैं फॉर एग्जांपल अगर हमने अपने किसी शॉप की इन्वेंट्री मैनेजमेंट करनी है और इसके साथ साथ अगर कोई सेलमैन ऑर्डर्स वगैरह की डिटेल नोट करना चाहता है हम कोई कॉन्टैक्ट को सेव करना चाहते हैं नोट्स लेना चाहते हैं इस तरह के कामों के लिए हम इसको यूज़ करते हैं इसके साथ भी हमें एक पेन मिलता है जिसकी मदद से हम स्क्रोल कर सकते हैं और डिफरेंट तरह के इनपुट्स को हम सेव कर सकते हैं इस डिवाइस को हम कंप्यूटर के साथ अटैच करके इस डिवाइस से डाटा डेस्कटॉप कंप्यूटर को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और डेस्कटॉप से डाटा इधर ट्रांसफ़र सकते हैं इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइब्रिड फंक्शनैलिटी हैं, हैं। भी प्रोवाइड करते हैं और पीडीएस वाली भी करते हैं हम इसको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करके ई को एक्सेस कर सकते हैं गेम्स प्ले कर सकते हैं इसी तरह हम मूवीज देख सकते हैं कैमरा को यूज करते हुए डिफरेंट रिकॉर्डिंग कर सकते हैं कॉल और एसएमएस भी कर सकते हैं ये भी हमें मोबाइलिटी प्रोवाइड करते हैं कि मैं हम इनको अपने साथ कैरी कर सकते हैं